हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज तो है लेकिन आने वाले समय में वो देश खत्म हो जाएगा। एशिया का एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती के आगे शायद कोई टिक ना पाए। इस देश में जब आप जाते हैं तो यहाँ के सनलाइट से आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन करके रखना चाहिए। इस कंट्री को समुद्री जीवों के लिए जन्नत माना गया है। यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव हैं कि इस देश में समंदर के अंदर रेस्टोरेंट बना दिया गया है। एक ऐसा देश जहाँ अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है। अब तो आप समझ गए होंगे हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं मालदीव्स की। तो दोस्तों, इस खूबसूरत देश के बारे में जानने के लिए अंत तक हमारे संग बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है दोस्तों रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। इस देश की कुल जनसंख्या है 5,47,000 के आसपास और सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 173वां बड़ा देश है। मालदीव एक बहुत ही छोटा देश है जिसके पास टोटल लैंड एरिया है मात्र 300 स्क्वायर किलोमीटर का। वहीं अगर बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो यहाँ पर 1800 से ज्यादा लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिल जाते हैं। इस देश में 35% लोग शहर में रहते हैं तो बाकी के 65% लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंद महासागर में स्थित छोटा सा देश मालदीव लगभग 1100 से भी अधिक छोटे छोटे आइलैंड को लेकर बना है और मालदीव का लगभग 90% हिस्सा समंदर के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। इस देश को आप समंदर का देश कहेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि ये देश चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है तो यही समंदर इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। दोस्तों, ये बात तो आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि मालदीव दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। इस बात में कोई राय नहीं है, इस देश के पास वो सब कुछ है जो इसको स्पेशल बनाता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको समंदर और पानी से प्यार है तो ये कंट्री आपके लिए जन्नत है। यहाँ आने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि मालदीव की हवा इतनी प्योर मानी जाती है कि कई बीमार लोग यहाँ आके ठीक हो जाते हैं। इस देश में कई ऐसी चीजें हैं जिसे देखने से ही आपको सुकून मिलता है। यहाँ की ताजी हवा आपको किसी अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ का नीला पानी आपकी आंखों को सुकून देता है, आप यहाँ के बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। वेल दोस्तों, आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि मालदीव को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनके लिए मौज है और उन्हें किसी भी बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही आपको बता दूं, इस देश में ना तो कोई चोरी चकारी की घटना होती है और ना ही भाई कोई लूटपाट होती है। ये वाकई में जन्नत है। यही वजह है कि इस देश का 75% सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। टूरिस्ट के साथ अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो टूरिज्म तो आएगा ही भाई। ये आप जानते हैं दोस्तों, मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग हुई है। जी हाँ, मतलब की एक ऐसी मीटिंग जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था पानी के नीचे। ये बात है साल 2009 की जब इस देश की सरकार ने दुनिया की नजर ग्लोबल वार्मिंग पर लगाने के लिए अंडर वाटर मीटिंग की। ये अपने आप में हिस्टोरिकल मोमेंट था। साथ ही ये बात भी कही जाती है कि इस मीटिंग के बाद वाकई में दुनिया ने ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज को सीरियसली लेना शुरू किया था। आपको ये बात सुनकर दोस्तों बहुत ही दुख होगा कि मालदीव्स देश आने वाले कुछ सालों में समंदर में समा जाएगा। जी हाँ, ये देश सी लेवल से बहुत कम ऊंचाई पर है। ऐसे में आपको बता दूं, कई ऐसी जगह भी है इस देश में जो कि ऑलरेडी समंदर में समा चुकी है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस देश को जिसे देखने की दिलचस्पी है वो जल्द से जल्द देख ले क्योंकि आने वाले समय में ये देश जलमग्न होने वाला है। मालदीव देश के पास वो सब कुछ है जो कि स्पेशल देश बनाता है इसको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये देश कब तक दुनिया के नक्शे पर रहने वाला है। इस कंट्री के लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आगे उनका भविष्य कैसा है। क्या वाकई में ये सब किसी और देश में सेटल हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि इतना तो तय है कि आने वाले सालों में इन्हें इस देश को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मछली यानी कि व्हेल शार्क भी आपको इस देश में देखने को मिल जाती है, वो भी सालों भर। अगर आप में हिम्मत है तो आप इस व्हेल शार्क को देखने के लिए जा सकते हैं। साथ ही आपको ये बता दूं, यहाँ पर सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कि आपको समंदर के नीचे ले जाकर इन मछलियों के दर्शन करवाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना कमाल का एक्सपीरियंस होता होगा। दोस्तों, मालदीव्स का प्रमुख धर्म इस्लाम है क्योंकि यहाँ करीब 98% लोग इस धर्म को मानने वाले हैं। इस देश के नियम सबसे अलग हैं। इस देश में जो मुस्लिम होते हैं उन्हीं को इस देश का नागरिक माना जाता है। यहाँ साफ साफ ये नियम है कि जो मुस्लिम है वही इस देश के नागरिक हो सकते हैं। नॉन मुस्लिम्स के लिए इस देश में कुछ भी नहीं है, आपको इस देश की नागरिकता मिल ही नहीं सकती। अगर आप इस देश में घूमने के लिए जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि मालदीव में बाकी देशों की तरह कोई भी वीकेंड नहीं होता। जनरली जो हमने देखा है कि हर देश में वीकेंड का मतलब होता है भाई सैटरडे एंड संडे, एकदम छुट्टी मौज मस्ती, ऐसा नहीं है इस देश में। इस देश के हिसाब से यहाँ पर फ्राइडे एंड सैटरडे को वीकेंड मनाया जाता है। जी हाँ, तभी तो कुछ लोग इस देश में संडे के दिन आते हैं तो उन्हें यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। यहाँ पर सारी शॉप संडे के दिन खुली होती है, सारे सरकारी ऑफिसर्स इस दिन खुले होते हैं
इसको देखकर आप सरप्राइज मत होइएगा। दूसरे देश में सबसे कमाल की चीज है वहाँ का खाना। यहाँ के खाने में आपको तरह तरह की चीजें मिल जाती हैं। सबसे फेमस है इस देश में यहाँ का फ्रेश सी फूड। यहाँ आप किसी भी बीच पर चले जाएं, आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिल जाएंगे। साथी दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा जो कि अपनी मर्जी से खाने का रेट लगा दे। यहाँ का फूड सस्ता भी है और वाकई में स्वादिष्ट भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, जब आप मालदीव्स के फ्लैग को देखते हैं तो आपको तीन रंग नजर आते हैं। सबसे पहला कलर है रेड, जिसका मतलब होता है यहाँ के लोगों का सेक्रीफाइस, यानी कि बलिदान जो यहाँ के नागरिकों ने दिया है इस देश को बनाने के लिए। वहीं ग्रीन कलर का मतलब होता है ट्रैंक्विलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट, यानी कि शांति और सिद्धि, जबकि चांद इस्लाम धर्म को दिखाता है। मालदीव्स में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की वैल्यू है दोस्तों तो वो है ईमानदारी की। कहते हैं इस देश में कोई भी आपको गलत व्यवहार करते हुए नजर नहीं आएगा। यहाँ के लोगों की खासियत है कि सबके सब ईमानदारी से जीते हैं, इसलिए दोस्तों जो भी टूरिस्ट इस देश में जाता है वो किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करता। यहाँ पर अगर किसी ने किसी को ठगने की कोशिश भी की और वो पकड़ा भी गया तो यहाँ के रूल्स के अनुसार भाई कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी डर से यहाँ पर कोई किसी को ठगने की कोशिश नहीं करता। दोस्तों, धोनी को हम सभी जानते हैं, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी बहुत ही कमाल के इंसान है भाई। आप कहेंगे भाई धोनी कहाँ से आ गए बीच में, तो देखिए वो ऐसे आ गए, मैं आपको बता दूं, जो बोट अरेबिक सी में सेल करती थी उसे धोनी कहते थे। जी हाँ, 11वीं शताब्दी के आसपास की बात है। आपको बता दूं आज के दिन ये धोनी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको देखने को मिलती है सिर्फ इसी देश में। आज के दिन भी आप इस खूबसूरत बोट की सवारी कर सकते हैं और अपना पूरा समय बिता सकते हैं, बट संभल के कहीं धोनी हेलीकॉप्टर शॉट ना लगा दे। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा आपको न्यूली मैरिड कपल ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि रोमांस डेस्टिनेशन भी कहलाता है। सबसे ज्यादा इस देश में इंडिया से ही लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए। यहाँ पर आपको आसानी से इंडियन खाना मिल जाता है। कहा जाता है कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ पसंद आता है तो वो है यहाँ का भैया बढ़िया नाश्ता सुबह सुबह का, आपको स्विमिंग पूल में दिया जाता है, आप पानी में तैरते रहते हैं और आपके सामने फ्रेश फ्रूट्स रखे रहते हैं। मैं तो सोच के इस देश का दीवाना हो गया यार, वाकई में ये कंट्री बहुत ही अलग है। एक बात और जो अलग है इस देश की, मैं आपको बता दूं, वो आपको बहुत ही पसंद आएगी और वो है यहाँ का कोकोनट वाटर। मालदीव्स में आपको जिस तरह का कोकोनट वाटर पीने को मिलता है उस तरह का आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अलग होते हैं, ये बहुत ही मीठे भी होते हैं और जब आप इनको पीते हैं ना तो आपको अलग सी एक बढ़िया सी फीलिंग आती है। ये भी मालदीव्स का एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इस देश में बड़ी मात्रा में कोकोनट का एक्सपोर्ट किया जाता है। मालदीव्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन टैक्सी का इस्तेमाल होता है दोस्तों, जो कि किसी भी समय के दौरान पानी के ऊपर भी उड़ सकता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना एडवांस हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि पानी ही इस देश की खूबसूरती है और तकलीफ भी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, मालदीव्स में एक अंडर वाटर रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। जी हाँ, एक ऐसा रेस्टोरेंट जो कि समंदर के अंदर है। यहाँ पर जब भी आप जाते हैं तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। इस रेस्टोरेंट में खाते खाते आप कई सारे समुद्री जीवों को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए एक यूनिक और फैंटास्टिक एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, मालदीव्स में इस रिजॉर्ट को दुनिया के अन्य देशों से काफी अलग और लग्जरियस माना जाता है और यहाँ के रिजॉर्ट को समंदर के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, यानी कि एकदम अलग तरीके से। इन रिजॉर्ट्स में आपको समंदर के बीच में रात बिताने का मौका मिलता है। साथ ही कहा जाता है कि जब इन रिजॉर्ट्स में लोग रुकते हैं तो आपको लगता है कि आप एकदम अलग है, एकदम रॉयल। यही खासियत है भाई इसकी। दोस्तों, मालदीव्स के लोगों का नेचर देखिए बहुत ही सॉफ्ट होता है। यहाँ के लोगों को पता है कि टूरिस्ट जो है इस देश में जो घूमने आते हैं वही इनका सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा डाउन टू अर्थ नेचर के इंसान मिलेंगे। सबके सब शांत होते हैं और सब टूरिस्ट की बात को अच्छे से समझते हैं, टूरिस्ट को भगवान मानते हैं क्योंकि यहीं से तो उनका घर परिवार चलता है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं इस देश के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। यहाँ पर कम से कम एक इंसान 9 से 10 घंटे रेगुलरली काम करता है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि सबको अपने काम के बारे में पता होता है और सबके सब अपने काम को प्रॉपर तरीके से फिनिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस देश के लोगों का ये नेचर है कि वो छोटे से छोटे काम को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों, देश में मालदीवियन रूफिया करेंसी का प्रचलन है जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से कम है। हम सबको ऐसा लगता है कि अगर इस देश में हम घूमने जाएंगे तो यार लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बॉस आप गलत हैं यहाँ पे, क्योंकि घूमने के नजरिए से देश बिल्कुल भी महंगा नहीं है और सबसे मजे की बात तो ये है आप बिना वीजा के 90 दिनों तक रह सकते हैं। एंड में मैं आपको बता दूं इस देश का एक और रोचक फैक्ट जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मालदीव की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं क्यों? अरे भाई, मामला बहुत आसान है। माना जाता है कि यहाँ पर हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है और अच्छी बात यह है कि यहाँ की खूबसूरती को देखते ही लड़कियां भी पिघल जाती हैं और आपको हाँ कह देती है। वैसे हाँ कहेंगे कैसे नहीं, जब आपके संग इतनी दूर घूमने जा रही है तो ऐसी थोड़ी ना जा रही है। लेकिन हाँ, वहाँ का नजारा आपके प्रपोजल में चार चांद लगा देता है। इसलिए दोस्तों, इस देश को मोस्ट रोमांटिक डेस्टिनेशंस में से कहा गया है। इस देश में जो भी जाता है ना, यहाँ की मेमोरीज समेट के जो ले आता है, उन मेमोरीज से कभी निकलता नहीं है। दिस कंट्री इज वेरी वेरी स्पेशल। तो दोस्तों, ये था मालदीव्स। कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे बताएं। क्या कभी आप गए हैं इस देश में तो भी बताएं, नहीं गए हैं तो भी बताएं।
आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शेयर जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो बॉस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो जाने मन चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो फटाफट से हमारे पेज को फॉलो कीजिए, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।